अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग मोस्ट हिट कोड ऑफ क्रिम्सन, जिसको हमने अभी फाइनली स्टिच किया है। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो मैंने बताया था कि इसके अंदर, अच्छा मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो में बताया था कि इन्होंने जो स्लिप का फैब्रिक दिया हुआ था वो ऑफ वाइट कलर था का था, और जो ड्रेस है वो ऑफ वाइट ही कलर है। यहाँ पे पिस्ताशो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इन्होंने स्लिप बहुत शॉर्ट बनाई हुई और पूरा पैंट का कलर जो है पिस्ताशो वो नज़र आ रहा है, तो इसलिए से वो ऑफ वाइट बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था जैसे ये स्लीव है। इसलिए हमने जो है इसके अंदर ऑफ पिस्ताशो कलर की ही लाइनिंग लगाई है पूरी फुल ड्रेस में इससे मैच करने के लिए। तो ये जो है अब पिस्ता कलर ड्रेस दिख रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा, क्योंकि बेस जो है वो आउटर जो है वो वाइट है, थोड़ा सा वो वाइट वाइट सा नजर आ रहा है, बट ये कि ओवरऑल पिस्ताशो कलर का वो लुक आ गया क्योंकि ऑफ वाइट से वो ड्रेस फिर जो इमेजिन किया हुआ था सबने देखकर, ऐसे देखें तो ये लगता है कि पिस्ताशो कलर का ड्रेस है, तो वो फिर अच्छा लगना नहीं था। उसके अलावा हमने इसको स्मॉल साइज पे स्टिच किया है। लेंथ इसकी 45 इंचेस रखी है। इसके बाद ये जो इसकी एम्बेलिशमेंट्स हैं, ये कोई लेस नहीं है, ये एक एक मोती जो है ये सब हाथ से टांका गया है फ्रंट एंड बैक, बिल्कुल ऐसे इतना के हाफ इंच का भी डिस्टेंस नहीं है इसके अंदर। दामन इसका हमने तकरीबन 23 या 24 इंचेस रखा है, आई थिंक 24 इंचेस रखा है दामन। और ये एम्बेलिशमेंट सारे ड्रॉप्स जो है वो सारे हाथ से हुए हैं, इसलिए इसी तरह से स्लिट्स पर। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बताई थी वीडियो में, अनबॉक्सिंग की वीडियो में, कि ये पिंक वाली जो लेस है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी। और इसका दुपट्टा पिक्चर में जो है वो डार्क पिंक लग रहा है, तो ऐसे लगता है कि बड़ा कॉमन कलर है, लेकिन ये लेस ढूंढना इतना मुश्किल काम था कि मतलब मार्केट की जितनी शॉप्स हैं वो सारी चेक करने के बाद मुझे फाइनली फिर ये लेस मिली। कलर फाइनली सेम मिल गया, बट ये कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि ये कलर ही नहीं मिल रहा था। ये कॉमन सा पिंक नहीं है, तो स्पेशली लेसेस में मोस्टली जो वेलवेट में आती हूँ शॉकिंग पिंक होती है, हॉट पिंक कलर होता है या मजेंटा पिंक मोस्टली होता है, ये जो है थोड़ा डिफरेंट पिंक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला। और वीडियो में अगेन मैं बता दूँ शॉकिंग पिंक कलर लग रहा है, लेकिन शॉकिंग पिंक नहीं है। जिन लोगों ने भी इसको ओरिजिनली देखा है तो वो जो है जानते होंगे कि ये लाइट से पिंक कलर का ड्रेस है। तो फाइनली खैर क्लाइंट ने हमें कहा था कि ये लेस नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि बड़ी मुश्किल से मिली, मेरी कोशिश थी कि इसको वैसे ही लुक आए। लेंथ मैंने ऑलरेडी बता दी, फ्रंट पूरा फुली हैंड एम्बेलिश्ड है। उसके बाद गला इसका एप्लिक हुआ है, सभी लोगों को पता होगा जिन लोगों ने अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी है, ये वाला पार्ट अलग दिया हुआ था, ये अलग थे, तो ये सारे जो हैं एप्लिक हुए हैं। थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा जो है हाफ हाफ इंच यहाँ से प्लेन आए, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि ये आर्म होल में चले जाना है, और बिल्कुल ऐसे ये हिस्सा जो है प्लेन था। और गला भी एग्जैक्ट ऐसे ही बनाया हुआ है, बूट चौड़ी पाइपिंग कहते हैं इसको, जो हाफ इंच से ज़्यादा होती है वैसे लगा के, और बीड्स भी वैसे लगाए हुए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बना। गला इसका एप्लिक हुआ, ये वाली चीज़ें भी एप्लिक हुई, और पैनल्स थे इसके तीन। उसके बाद हमने स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाई। इसका फायदा ये है कि अगर नहीं लगाते तो वो फिर वाइट वाइट दिखता रहता, जस्ट डिफरेंट लगता, और वैसे भी क्लाइंट को जो है रिक्वायर्ड थी। और स्लीव्स के आगे भी बिल्कुल वैसी एम्बेलिशमेंट, इसकी एम्बेलिशमेंट बता रही हूँ कि इतना टाइम लगा क्योंकि इसके दुपट्टे के ऊपर और इसके ऊपर भी सारा फिर वही वाली लेस जैसे उन्होंने लगाई हुई थी। ऑब्वियसली वो सेम डिज़ाइन नहीं मिला, बट ये कलर ही इतनी मुश्किल से मिला। पिक्चर में अगेन ये डार्क कलर लग रहा है, लेकिन क्योंकि दुपट्टा भी डार्क लग रहा है, असल में जब मैचिंग ही ये थी तो फिर ये लेस हमने यहाँ पे लगाई। और इसके बीज देखें आप कि बहुत ज़्यादा करीब हैं ये सारे ड्रॉप्स, और ये कोई प्लास्टिक के नहीं है, जो बेहतरीन क्वालिटी के ड्रॉप्स होते हैं वो हैं। उसके बाद बैक पे भी इसके ये वाला बंच एप्लिक हुआ है, इसका एप्लिक का भी खासा काम था। ये बंच एप्लिक हुआ है, और उसके बाद जो है ये इसका दामन पूरा फ्रंट बैक एप्लिक हुआ है, ये वाला बैक का एक्चुअली एप्लिक हुआ है, नहीं आई एम सॉरी आई थिंक ये बैक का ही बना हुआ था, जस्ट इसका जो है वो बंच एप्लिक हुआ है, हाँ सॉरी। और फ्रंट का गला एप्लिक हुआ है, ये आर्म होल के जो बंचेस हैं पिंक वाले ये एप्लिक हुए हैं, और दामन जो है ये बना हुआ था। तो इसकी शर्ट, अच्छा अंदर की साइड फिर जैसे इन्होंने भी जो है पिंक कलर की ही वो लगाई हुई थी, अंदर की फिनिशिंग की हुई थी, तो पिंक कलर वही पिंक जो कि लाइट है उसका वो लगाया है, फिनिशिंग की है, और कॉटन सिल्क की लाइनिंग इसकी डाई करवाई है हमने। तो ये हो गई इसकी शर्ट। ये एक्चुअली स्ट्रेच काफ़ी टाइम से हुआ हुआ था, बट मैंने इसको फाइनली अब बनाई वीडियो। अच्छा, क्योंकि स्मॉल साइज़ है तो पाँचा ये
पिक्चर में शायद थोड़ा ज्यादा लग रहा हो या मे बी दोनों एक साथ खड़े हुए, ये होगा अराउंड 20 इंचेस मेरे ख्याल है, ऑल राउंड होगा ये 18 इंचेस होगा जितना कि इसका बॉर्डर था, ये बॉर्डर इसका एप्लिक हुआ है। और उसके बाद फिर इसकी एम्बेलिशमेंट, ये से सारे मोती है, कोई भी लेस नहीं है, एक एक मोती जो है हाथ से लगाए, और ये इसको लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, तब जब इसकी जो यहाँ की जो जरी की आउटलाइन होती है उसके बाद इसको लगाना बेइंतहा मुश्किल होता है, क्योंकि सुई जो है वो हाथ में चुभती है, तो ये जब भी हम एम्बेलिशमेंट कराते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर इसके सामने थ्रेड की आउटलाइन हो तो फिर इतना ज्यादा मसला ना हो। अच्छा, हमने साथ पर्स भी लगाया बनवाया है यही वाले कपड़े का, बट अभी मेरे पास है नहीं, और वो पर्स हम लोग मोस्टली बनाते नहीं क्योंकि कई अक्सर लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बट वो हम इंक्लूड ही नहीं करते, आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न है, टेलर नहीं बनाना चाहते या क्या, और कई पंचायतें होती तो इसलिए, लेकिन ये जो है बस क्योंकि बरी का जोड़ा है इसलिए हमने इसलिए बना दिया। आई विल ट्राई कि मैं दिखा सकूँ उसको कोई किसी शॉट में या मे बी शिप करने से पहले ना, तो ये सारी एम्बेलिशमेंट जो लग रहा है कि वो है, एक्चुअली बहुत लंबा कर दिया मैंने, ये सब हाथ से हुआ है। उसके बाद दुपट्टे का ये है कि जिनका ये है उनकी हाइट कम है, तो दुपट्टा हमने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इनफैक्ट ये तकरीबन 3.5 गज का दुपट्टा था, तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट किया 2.5 गज करने के लिए, पूरा 2.5 गज बनाए, इसलिए हमने जो पिक्चर में प्लेन वो बनाए हुए प्लेन ऑर्गेंजा लगा के, उसके अंदर था नहीं, प्लेन ऑर्गेंजा लगा के जो प्लीट्स लगाई हुई और गोटे के वो पट्टियाँ लगाई हुई वो हमने नहीं लगाई हैं, हमने जस्ट एज पे ये लेस लगाई, डबल लेस ही सितारे वाली, ये अलग है और ये अलग है। और उसके बाद फिर इसकी एम्बेलिशमेंट देखें, 1/2 इंच का भी मुश्किल से जो है गैप है। उसके बाद ये जो बॉर्डर है ये बढ़ता हुआ लगा है, और बॉर्डर के जॉइंट के ऊपर हर जगह पर ये लेस लगी है सितारे वाली, और फिर अंदर को ये लगा के पूरा उसके साथ एप्लिक हुआ है, और राउंड फैब्रिक के साथ जो है एप्लिक हुआ है। तो दुपट्टे की फिनिशिंग, दुपट्टे के बॉर्डर्स एंड दुपट्टे की एम्बेलिशमेंट देखें इस तरीके से हैं, तो बिल्कुल गैप नहीं। अगेन मैं बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा लेंथी करती हूँ, बट शॉर्ट बता रही हूँ कि ये जब जरी की आउटलाइन होती है तो यहाँ पे फिर बीड्स लगाना हाथ से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो है वो सुइयाँ कई टूट जाती हैं। ये देखें इस तरीके से कि बहुत हैवी इसकी एम्बेलिशमेंट है। सो दैट्स इट, खासे टाइम से इसको जो है हमने और भी अभी दो और ड्रेसेस सेम जो हमने स्टिच करनी है, और सेम जो है दो पिंक है, तो ये खासे टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी वीडियो, फाइनली आई गॉट टाइम टू शेयर दिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।